नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलदीप सिंह, स्वागत है आपका टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने यूपीएससी 2010 एग्जाम बैच में अपना एग्जाम क्लियर किया, साथ ही उन्होंने अध्ययन का भी काम जारी रखा और अध्यापन का भी काम जारी रखा, जिसके कारण उनको इस फील्ड में बहुत ढेर सारा अनुभव हुआ। वर्तमान समय पे लोगों को गाइड करने के लिए, अभ्यर्थियों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग संस्थान वो जाते रहते हैं, बुलाए जाते हैं, और बहुत मुश्किल से हमने भी उनका समय निकाला कीमती, और हमने कहा बड़ी रिक्वेस्ट के बाद सर से मुलाकात हो ही गई, काफी समय से लगे हुए थे हम भी। ठीक है, तो सर से मुलाकात करें, इससे पहले सर का परिचय। राकेश भारती, डॉक्टर राकेश भारती जी, जो कि यहाँ पे संस्थान में उपलब्ध हैं, इस समय स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यूपीएससी की तरफ इनका झुकाव हुआ। और क्योंकि ये मैं बता दूं, ये डॉक्टर मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर हैं, पीएचडी वाले नहीं, तो कैसे एक डॉक्टर का यूपीएससी की तरफ झुकाव हो गया और कैसे इनकी परिस्थितियों में क्या ऐसा बदलाव हुआ, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इन्हीं के गाइडेंस लेंगे कि वर्तमान समय पे जो बच्चे आज की डेट में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे अध्ययन करें, और बहुत ढेर सारा मार्केट में मटेरियल है, और उसको कैसे सही तरीके से चूज करें और अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करें जिससे उनका कम समय लगे और एग्जाम में बेहतर वो रिजल्ट प्राप्त कर सके। सर स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। तो फिर ये बताइए सर, आपको जो है आईआरएस में है वर्तमान समय पे, और सर मैं आपका बैकग्राउंड देख रहा था तो सर आप मेडिकल साइंस से हैं। जी जी। तो सर मेडिकल साइंस से डॉक्टर यानी एमबीबीएस करने के बाद सर ये कैसे फिर इधर की तरफ क्या झुकाव, ऐसा क्या हो गया सर? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई अपनी इलाहाबाद से की है, और इलाहाबाद पूर्वांचल क्या कहा जाए, यूपी और बिहार का सिविल सर्विस का गढ़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और तो यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ पर सिविल सर्विस आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं। मैं भी वहाँ पे एमबीबीएस करता था और धीरे धीरे कुछ लोगों के संपर्क में आया, और आईएएस फिलहाल के लिए तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ग्लैमरस जॉब है, भारत सरकार की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, क्लास वन सर्विस है। तो मुझे लगा कि एमबीबीएस करके कल को मैं मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करूँगा, तो अगर नौकरी ही करनी है तो क्यों ना देश की सबसे सर्वोच्च सेवा में जाया जाए और वहाँ किया जाए। तो ये सोच करके मैं आगे बढ़ा, इलाहाबाद से एमबीबीएस करके मैं निकला, मैं दिल्ली गया और वहाँ पे मैंने अपनी आईएएस की तैयारी शुरू की। मैंने जो है 2006 से तैयारी शुरू की और 2008 में मैंने इंटरव्यू दिया, सफल नहीं रहा। फिर ये मेरा 2010 एग्ज़ाम बैच में मुझे सफलता मिली फिलहाल, और अभी मैं वर्तमान में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में पोस्टेड हूँ, यहीं लखनऊ में कार्यरत हूँ। और युवाओं से, छात्रों से जुड़ने में बड़ा अच्छा लगता है, इस उद्देश्य से आप लोगों से मिलके अच्छा लगता है। हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं के बीच जाएं और जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस हमने अपनी प्रिपरेशन के दौरान या इस सर्विस के दौरान पाया है वो आप लोगों के बीच शेयर कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर कि आप आए समय निकाल के। सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब सफलता पे आप आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ से पीछे आप अपने आप को सिर्फ सीमित कर लेते हैं, और सीमित करने के बाद फिर आप दूसरों की तरफ शायद ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत से सफल लोग हैं जो इसके कैटेगरी में बैठते हैं। तो सर आप जैसे लोग अगर आज के पीढ़ी को अगर गाइड कर दें, क्योंकि सर वर्तमान समय पर मटेरियल बहुत है। आप सर जब पढ़ रहे थे तो क्या पैटर्न था और आज के पैटर्न में क्या बदलाव? हमने जब तैयारी शुरू की तो उस समय पैटर्न एग्जाम के स्टेप्स वही थे, प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन प्री में आज जो सीसेट का पेपर है उसकी जगह पे ऑप्शनल का पेपर होता था। मेंस में जैसे आज एक ऑप्शनल है, उस समय दो ऑप्शनल होते थे। ठीक है, इंटरव्यू हमेशा ही वैसे रहा, उस समय इंटरव्यू 300 नंबर के होते थे, 300 मार्क्स, आज इंटरव्यू 275 मार्क्स के हैं। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि बेसिक नेचर आप एग्ज़ाम और बेसिक स्ट्रेटजी वही है। आज भी आपको उसी रणनीति पे काम करना है, वही फार्मूला है कि आपको हार्डवर्क करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है और आपको कॉन्फिडेंट होके अपनी तैयारी करनी है। तो बेसिक फार्मूला ये वही है, बस पैटर्न में परिवर्तन ये है
कि प्रीलिम्स में ऑप्शनल हट गया, मेंस में दो ऑप्शनल की जगह पे एक ऑप्शनल हो गया, जीएस के दो पेपर होते थे पहले मेंस में, अब चार पेपर होते हैं, एथिक्स और इंटीग्रिटी का एक पेपर ऐड किया गया है जिसके बारे में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो बेहतर डिटेल में जानते होंगे, जिससे कि एक सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी में आने वाले यंगस्टर्स में इथिकल वैल्यूज को इनकलकेट किया जा सके, लाया जा सके। तो इसके लिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर जो जोड़ा गया है वो महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के स्तर पे हम बात करते हैं तो सीसैट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इस पर आप जो है एग्ज़ाम देते हैं, बच्चों को परीक्षा देनी होती है। तो ये बच्चों में प्रॉम्प्टनेस कि उसका एप्टीट्यूड कैसा है, कितनी जल्दी कितना प्रॉम्प्टली वो रिप्लाई कर पाता है, मेंटल अलर्टनेस कितना है, जो मैं समझ पाता हूँ कि सीसैट का पेपर मेंटल अलर्टनेस रीजनिंग को चेक करने के लिए रखा गया है। तो ये अच्छा है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में आप जाते हैं या किसी भी पब्लिक सर्विस में तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है, अपडेट रहना होता है और चीज़ों को क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसमें ये हेल्प करता है। हाँ सर, सीसैट के पेपर को सर मैंने देखा, जैसा आपने बताया कि मेहनत तो है, नो डाउट सर, एग्ज़ाम ये मेहनत का है और जितने बच्चे मेहनत करते हैं हमने देखा हर साल टॉपर्स निकलते हैं, रैंक बढ़ती चली जाती है, नंबर्स भी उनके जो है वो धीरे धीरे करके वो इंक्रीज कर पा रहे हैं अपने। लेकिन सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं क्योंकि तैयारी तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका वो रिजल्ट नहीं आता। सर मैंने देखा है 10-10 घंटे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। सर उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या उनके रणनीति में कोई कमी है या उनका सब्जेक्ट मटेरियल जो चूज कर रहे हैं या सिलेबस को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अपीयर होते हैं, या हम यूपी पीसीएस की बात करें तो स्टेट के पूरी काफ़ी बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके लाखों लोग निकल रहे हैं और इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी तो 3 लाख के एवरेज बच्चे यूपीएससी में बैठते थे और फाइनल सिलेक्शन 600-800 लोगों का होता था। आज भी लगभग वही है, लेकिन जहाँ 3 लाख बच्चे बैठते थे आज तकरीबन 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उस 5 लाख में से 15,000 से 20,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। यस सर। और 2,500 से 3,000 लोग इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और फाइनल सिलेक्शन 600 to 800 के बीच डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी एंड सीट्स अवेलेबिलिटी पर सिलेक्शन होता है। तो एग्ज़ाम कितना टफ है, हार्ड है, उसका अंदाज़ा आप इस रेशियो से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात आती है, रोल आता है कि बच्चा तैयारी कैसे कर रहा है। आज के समय में जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन का लेवल है उसको देख करके आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम में अपीयर होना है। हमको या किसी भी कैंडिडेट को पढ़ने के लिए ओरिजिनल बुक्स रेफर करना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट और मटेरियल ईजी अवेलेबिलिटी की वजह से बच्चे शॉर्टकट में पढ़ जाते हैं। और जैसा आप जो आपने कहा कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाने के पीछे रीज़न है कि ऑथेंटिक बुक्स और ओरिजिनल बुक्स ना पढ़ के सिर्फ कोचिंग पे रिलाई करना या सिर्फ मार्केट में अवेलेबल नोट्स पे रिलाई करना, ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर वास्तव में कैंडिडेट को सफल होना है तो सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की जो ओरिजिनल रिकमेंडेड बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए, अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए, अपना रिवीजन करना चाहिए और ऑथेंटिक मटेरियल पे रिलाई करना चाहिए। जो कोचिंग अच्छी परफॉर्म कर रही हैं उनमें गाइडेंस लेने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि बेहतर कर सकें, ना कि मार्केट में इजी अवेलेबल नोट्स पे। और यूपीएससी में बहुत पहले से कहा जाता है देयर इज नो शॉर्टकट, वहाँ का रास्ता एक फिक्स पैटर्न पे चलता है, तय रास्ता पूरा करके ही सफलता पाई जा सकती है। यस सर, ये बात तो सही है क्योंकि बहुत सी बच्चे हैं जो कि कोच किसी दूसरे के नोट्स लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे सर उनका जो है बुक जो है वो कभी पूरी रीड करते ही नहीं, और जब क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है और उसमें जब देखते हैं तो जब घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके समझ से परे चला जाता है, क्योंकि वो नोट्स सिर्फ उसी बच्चे के काम आएंगे जो कि जिसने तैयार किए। ये बात तो सही है सर। तो सर एक ऑप्शनल को लेकर सर बड़ी समस्या रहती है, बच्चे हमेशा कहते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन। अच्छा सर, आजकल ये भी है कि रेशियो देखा गया है, कोई मैथमेटिक्स से कर रहा है
तो वो टॉप करे जा रहा है, कोई ज्योग्राफी से कर रहा है उसने टॉप कर लिया, कोई हिस्ट्री लिया उसने टॉप कर लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया उसने टॉप कर लिया। तो सर बच्चा उसको देख के भ्रमित, क्योंकि सर ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं तो मास्टर्स लेवल की वहां पर ऑप्शनल के लिए अप्रोच सर मास्टर्स लेवल की चाहिए होती है, तो बच्चा किस प्रकार से अपना ऑप्शनल चुने, या देख के चुने कि जिसका रिजल्ट आ रहा है उसका चुने, या वो रुचि के अनुसार बहुत से बच्चे चुन लेते हैं, तो सर इसके पीछे सर क्या, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे इसको गाइड करेंगे कि एक बच्चा अच्छे से जो है अपने ऑप्शनल को ले और अच्छे से तैयार करके बेहतर, क्योंकि सर ऑप्शनल बहुत बड़ा खेल निभाता है सिलेक्शन में, तो सर उसके बारे में बताएं कुछ। जी, आप यूपीएससी के सिलेबस को क्लोजली देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो आप पाएंगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो रेगुलर ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ऊपर है और पीजी से थोड़ा सा नीचे है। इसलिए ये कहा जाता है कि यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस ऑनर्स लेवल का होता है, जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स करते हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनर्स की डिग्री होती है, तो ऑनर्स लेवल मतलब रेगुलर ग्रेजुएशन से थोड़ा सा टफ है, ऊपर है। अब बात रही चॉइस की, तो ऑप्शनल चूज करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो जिस फील्ड में आपका बैकग्राउंड है उसमें आप जाएं, और अगर उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं या आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो नए फील्ड में, जैसे कि हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे साइंस के बैकग्राउंड से लोग आते हैं और आर्ट्स का सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। यस सर। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस सब्जेक्ट में कितने कंफर्टेबल हैं या कितना इंटरेस्ट है। ये कैसे मेजर करेंगे आप, उसका तरीका है कि किसी भी ऑप्शनल को जब आप चूज करें तो उसके सिलेबस को थोरोली आप देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, और उस ऑप्शनल के मेंस के पेपर को, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, देखिए सिलेबस, देखिए क्वेश्चन पेपर को देखिए, और दोनों को मिलाने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं इस ऑप्शनल को हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। पॉपुलर थीम्स पे मत जाइए कि इस ऑप्शनल से सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमको ये लेना चाहिए, या ये ऑप्शनल टफ है तो हमको नहीं लेना चाहिए। लोग मैथमेटिक्स से भी बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और लोग हिस्ट्री में भी फेल हो जाते हैं, लोग सोशियोलॉजी में भी टॉप करते हैं और लोग जो है ज्योग्राफी में भी फेल हो सकते हैं। तो ज्योग्राफी लेना है कि सोशियोलॉजी लेना है, मैथ लेना है कि बॉटनी लेना है, जूलॉजी लेना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एंड योर कैपेबिलिटी। और उसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया सिलेबस, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप उसको जब पढ़ें तो आपको पढ़ते समय आनंद आना चाहिए, आप उसको इंजॉय कर रहे हों, देन यू कैन गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम। सही कहा सर आपने, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों को इससे बहुत सी मदद मिलेगी सर, क्योंकि सबसे बड़े क्वेश्चन यही रहते हैं तैयारी करने से पहले, जब आदमी घुसता है इस फील्ड में तो उसको पता नहीं रहता। और सर मिस गाइड करने के लिए बच्चे मिस गाइड होते हैं क्योंकि उनके पास सोर्सेज बहुत हैं, और अगर किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, तो सर मुझे बेहतर यही है कि आप जो है खुद जो है उसी फील्ड में हैं, तो सर आपने वो सारी जर्नी की है तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद, ठीक है। आने वाले भावी पीढ़ी जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके।